अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा एक, इसकी जांच नंबर दो हल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर एक है, ज़ैल में दिए गए बयानात दुरुस्त करके लिखिए। जिसमें पहला सवाल है, अपनी जिस्मानी हरकत को काबू में करने का काम फेफड़ा करता है, ये गलत बयान है। इसका सही हम करके लिखेंगे, जिस्मानी हरकत को काबू में करने का काम कौन करता है? दिमाग करता है। सवाल नंबर दो है, फसलों की खाद तैयार करने के लिए ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल होता है, जुमला गलत है, इसे दुरुस्त करके इस तरह लिखेंगे, फसलों की खाद तैयार करने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। बे सवाल है, कुदरती रेशों के कोई दो ज़राए लिखिए, दो ज़राए के नाम लिखिए। अब कुदरती रेशे यानी क्या है? पटसन, जिसे जूट भी कहते हैं, कपास और ऊन, ये हमें कुदरती तौर पर हासिल होते हैं। जीम है सिर्फ नाम लिखिए, मगरिब और जुनूब की सिमत के दरमियान आने वाली जैली सिमत कौन सी है? जुनूब मगरिबी जैली सिमत है, ये जुनूब मगरिबी सिमत। अब मसनूई रेशे कौन से हैं? ये नायलन और पॉलिस्टर के मसनूई रेशे होते हैं या मसनूई धागे होते हैं। सवाल नंबर दो है, पहाड़ पर जाते वक्त ऑक्सीजन गैस से भरे सिलेंडर साथ में ले जाते हैं, वजह बताइए। जवाब लिखेंगे, ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, यानी जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊंचा जाते जाएंगे हवा में ऑक्सीजन की मिकदार कम होने लगती है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए पहाड़ पर जाते वक्त ऑक्सीजन गैस से भरे सिलेंडर ले जाते हैं। सवाल नंबर तीन है, ज़ैल में दिए गए आज़ा ए रईसा या हवास के काम लिखिए, जिसमें दिमाग है, दिमाग हमारे जिस्म के तमाम हरकत और सकनात पर काबू रखता है। दिल, दिल की मदद से पूरे जिस्म में दौराने खून होता है, जिस्म के हर हिस्से को खून दिल से जुड़ी हुई नालियों से मिलता है। सवाल नंबर चार है, बदहजमी होने पर मुसलसल उल्टी हुई हो तो कौन सा घरेलू इलाज करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक गिलास पानी में आधा चमचा खाने का सोडा मिलाकर थोड़ा सा नींबू डालकर इसे हम पिएंगे, जिससे हमें वक्ती तौर पर आराम मिलेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर हमें तकलीफ़ होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सवाल नंबर पाँच है, नक्शे में आपकी स्कूल की इमारत की लंबाई 40 सेंटीमीटर दिखाई गई है, अगर नक्शे में पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर दिया गया है तो स्कूल की लंबाई कितनी होगी? पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, स्कूल की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तो यानी स्कूल की लंबाई होगी 40 मीटर। इस तरह से हमारा ये पेपर हमने हल करे। ब्रिज कोर्स के ताल्लुक से आने वाली मेरी तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।